मैं डिटेल में समझाता हूँ, बड़बड़ा नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। देखो कभी होता है ना कि सपना आता है और सपने में आपको सुसु लगती है। हाँ। ओके, पर सपने में जब भी सुसु आती है ना तो बाथरूम कहीं नजर नहीं आता, फिर आपको लगता है कि ओ माय गॉड आज तो सबके सामने ही जागते हो और सीधा बाथरूम को भागते हो। वही तो। हाँ। ओके, ऐसा तो सबके साथ होता है। सही पकड़ा, वही तो कहना चाह रहा हूँ। बात यह मेरी जान के कल रात मैंने एक सपना देखा, हमारा एक बच्चा, इतना सच्चा था सपना, हमने उसका नाम भी तुम्हारे पगलेट अंकल के नाम पे रखा था, महेश, नहीं मंगेश। तो जब तुम सपना देख के उठे तो मैं माँ बनने वाली थी। हाँ। है ना? नहीं। अरे मैंने सपना देखा था, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अगर तुम बच्चा चाहते हो तो ये लगा के नहीं घूमते। अच्छा हुआ तुमने इसका जिक्र किया, क्योंकि तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नैनो पार्टिकल्स का डिब्बा है। तो तुम्हारी दलीलें निकल जाता है, टेम्पररी, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। पता है मैंने सर्जरी करवाई थी, ये तो हमारी सिक्योरिटी है, हमारे भविष्य के लिए। बस देखो अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे आस्तीन में छुपा हुआ कोई सा? देखा तुम हमेशा मेरी बात को पूरा कर देती हो, तुम्हारे बिना तो अधूरा हूँ मैं। ये सांप सीढ़ी खेलना छोड़ दो टोनी। हाँ सही कहा तुमने, अब कोई खेल नहीं, हम आज रात डिनर पे जाएंगे और तुम अपनी एंगेजमेंट रिंग सबको शो ऑफ करना, ठीक है? अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, मुझे वादा करना चाहिए ना। हाँ। तो लो किया वादा। टोनी स्टार्क, मैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ओ, वैसे शादी मुबारक हो तुम दोनों को। किसी तमाशे की टिकट बेच रहे हो क्या तुम? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। देखो मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, पर ब्रह्मांड की किस्मत दाव पर लगी है। ये हमें में और कौन है? हाय टोनी। ब्रूस। पेपा। हाय। तुम ठीक हो?